ये कतार किसी बस स्टॉप पर इंतज़ार करने वाले मुसाफिरों की नहीं, बल्कि अंदरून बलूचिस्तान से हसूल इलम के लिए क्वेटा आने वाले तुलबा की है। तकरीबन 30 लाख की आबादी पर मुश्तमिल क्वेटा के लिए सिर्फ एक सरकारी लाइब्रेरी कायम की गई है। तुलबा व तालिबात के लिए कायम करदा लाइब्रेरी में सहूलियात का फुकदान है। इलम की तलाश में आने वाले तुलबा व तालिबात के लिए लाइब्रेरी में कुर्सियां तक कम पड़ गई। बलूचिस्तान के तुलबा हार ना मानते हुए टंडी फर्श पर बैठकर इलम की प्यास को बुझाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में तुलबा व तालिबात कायदे आजम लाइब्रेरी का रुख करते हैं, मगर यहाँ तालिब इलमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें सहूलियात की कमी को तलबा को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे स्टडी हॉल जो इन्होंने बनाई है ये 500 के लिए, लेकिन 1000-2000 स्टूडेंट को यहाँ आना पड़ता है। तुलबा का कहना था कि लाइब्रेरी में कायम कंप्यूटर लैब हमेशा बंद रहती है, जिसके बाइस तहकीकी रिपोर्ट समेत दीगर तालीमी सरगर्मियों में मुश्किल होती है। जो कंप्यूटर लैब होता है, जो हम लोग आते हैं तो इनकी मर्जी से ये लोग अपना कंप्यूटर लैब खोलते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बलूचिस्तान तुलबा व तालिबात के लिए ना सिर्फ क्वेटा बल्कि अंदरून बलूचिस्तान में भी लाइब्रेरियाँ कायम करें, ताकि दीगर अजला से आने वाले तुलबा व तालिबात अपने शहरों में ही रहकर अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। कैमरामैन ज़ूर अहमद के साथ दानिश मुराद, जी न्यूज़ क्वेटा।